अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट आज डियर स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक डिस्कशन uh, का है वो कोड ऑफ़ एथिक्स बाय पी एफ और एन है हम इन दोनों ऑर्गेनाइजेश जो कि एक जर्नलिस्ट रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ हैं इन्होंने क्या कोड ऑफ एथिक्स दी हैं हम उनको आज के सेशन में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इन दोनों के अंदर क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और इन आ, दोनों के अंदर क्या डिसिमिलैरिटीज़ हैं हम उनको भी आज यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे लेकिन एक चीज़ जो हम हमारे लिए वाजे हो जानी चाहिए वो ये कि ये दोनों कोड ऑफ एथिक्स नंबर वन कि ये जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से आ रही हैं और नंबर टू कि इनका जो बेसिक मौख़ज़ है अगेन वही दो मेन कॉवनस हैं वो मेन प्रिंसिपल्स हैं जो कि यूनिवर्सल डिकलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने दिए हैं जो यूनाइटेड नेशंस की एक कॉन्वनेंट है और इसके अलावा आर्टिकल नाइनटीन जो हमारे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है ये दोनों बेसिकली मौख़ बन रहे हैं सोर्स बन रहे हैं जिनसे ये कोड ऑफ एथिक्स औरजिनेट हो रहे हैं तो डियर स्टूडेंट्स हम आज इन दोनों बॉडीज के जो गिवन कोड ऑफ एथिक्स हैं मैं इन पे आज डिस्कशन करूंगा और आप को यहां पे मालूम प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा कि ये कोड ऑफ एथिक्स क्या चीज़ों को कवर करती हैं क्या डूज जर्नलिस्ट के लिए मैंडेटरी करार देते हैं और किन डोंट्स की तरफ जर्नलिस्ट को ले जाती हैं जो कि जर्नलिस्ट को नहीं करना चाहिए उस हवाले से हमारी आज की डिस्कशन होगी यहाँ पे मैं आपको बिफोर वी मूव ऑन टू डिस्कस द कोड ऑफ द एथिक्स गिवन बाय दीज टू बॉडीज़ मैं शुरू करूँगा आपने लेक्चर का आगाज़ करूँगा वो पी एफ से शुरू करूँगा जो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है मैं उससे शुरू करूँगा लेकिन बिफोर आई स्टार्ट मैं ये चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इस आर्गनाइजेशन के बारे में इस यून के बारे में जान लें ये यूनियन नाइनटीन में स्टैब्लिश हो थी और एक उस वक्त से लेकर अब तक द मोस्ट रिनोड यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट एक मोस्ट प्रोफेशनल बॉडी जो जर्नलिस्ट की है वो फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है ये बेसिकली फ्रीडम की टॉर्च बेरर है टॉर्च बेरर है और फ्रीडम के हवाले से जितनी भी मूवमेंट चली हैं वो फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने ही हमेशा जर्नलिस्ट को लीड किया है इसके अलावा जर्नलिस्ट के प्रोटेक्शन के हवाले से जर्नलिस्ट के राइट्स के हवाले से जर्नलिस्ट की रिस्पांसिबिलिटीज़ के हवाले से और इसके अलावा जो एलाइट प्रॉब्लम्स जो जर्नलिस्ट को हो सकते हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन या इस यूनियन के थ्रू यूजुअली एड्रेस होते हैं तो ये पाकिस्तान में सबसे बड़ा फोरम है जो कि जर्नलिस्ट के प्रोटेक्शन के लिए जर्नलिस्ट की आज़ादी के लिए और जर्नलिस्ट के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए ये बॉडी अवेलेबल है दिस इज़ बेसिकली फॉलोइंग द आइडियल्स दैट इज़ देयर इन द दे वर्ल्ड जहाँ पे इस किस्म की बॉडीज़ काम कर रही हैं उनसे ये आइडियाज़ ले रही हैं उनके लिए भी बहुत सारे अंडर डिवलप कंट्रीज़ के लिए एवन फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इट सेल्फ एक आइडियल है बल्कि अगर मैं इसके मतलब ये कहूँ कि शायद एशिया की जो मुख्तलिफ जर्नलिस्ट बॉडीज की जो एसोसिएशन है या जर्नलिस्ट की जो एसोसिएशन हैं उसमें पी एफ यू जे एक नुमा हैसियत रखती है बल्कि बाज आ, आ, तो ये भी क्लेम करते हैं कि शायद सबसे फॉर ऑल जो बाडी साउथ एशिया के अंदर पाई जा रही है जर्नलिस्ट के हवाले से वो फेडरल यून ऑफ जर्नलिस्ट हैं चूंकि फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट एक, एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है ज़रा ये देखते हैं और बड़े अरसे से काम कर रही है जर्नलिस्ट की प्रोटेक्शन और उनके राइट्स के लिए ज़रा ये देखने की कोशिश करते हैं कि फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने क्या कोड ऑफ एथिक्स अपने जर्नलिस्ट के लिए फ्रेम किए हैं हम इनको वन बाई वन नरेट भी करेंगे और इन पर डिस्कशंस भी करेंगे जो कोड्स फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पी एफ यू ने दिए हैं उसमें जो उनका पहला कोड है वो ये कहता है अ मेंबर शुड डू नथिंग दैट वुड ब्रिंग रूल ऑफ हिस्सून एंड शुड नॉट बाई कमीशन और ओमिशन एक्ट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द यूनियन इस पहले प्रिंसिपल के अंदर फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट बेसिकली अपने जर्नलिस्ट के लिए अपने मेंबर्स के लिए यह वाजे करने की कोशिश कर रही है कि कोई भी इसका मेंबर इस किस्म का कोई काम नहीं करेगा जो कि इस यूनियन को डिसक्रेडिट करेगा विल ब्रिंग अ बैड नेम फॉर द यूनियन या इस यूनियन के जो मकसद हैं उनके खिलाफ काम करेगा और अपने प्रोफेशन के ख़िलाफ़ काम करेगा अपनी मीडिया ऑर्गनाइजेशन के खिलाफ काम करेगा तो किसी भी किस्म का डिसक्रेडिट यहां पर ये यूनियन अपने पहले प्रिंसिपल में ये बात कह रही है कि इस किसी भी किस्म का इस किस्म का डिसक्रेडिट जर्नलिस्ट के लिए आ, नहीं बेहतर के वो लेके आए और कोई भी जो रूल्स हैं उनको भी जो यूनियन के रूल्स हैं उनको भी जर्नलिस्ट वायलेट ना करें वो दोनों फॉर्म के अंदर के आप कोई ऐसी कमीशन करें कोई ऐसा काम करें जो कि यूनियन आपको या यूनियन के जो रूल्स हैं आपको वो आपसे डिज़ायर ना कर रही हो और यकीन किसी एक कि ऐसे काम को ना करना भी अहम है जिसको यूनियन एसेंशियली चाह रही हो कि एक जर्नलिस्ट को करें तो किसी भी किस्म की ओमिशन जो रूल्स के हवाले से जो यूनियन के हवाले से और जो रिस्पेक्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशन एंड यूनियन है उसके हवाले से अगर वो कोई डेट्रीमेंटल बनते हैं तो सी देखते हैं कि जो सेकंड प्रिंसिपल है जो सेकंड कोड ऑफ एथिक्स है एफ यू ये गिवन वो क्या है सेकेंड में आ, ये बताया जा रहा है कि वेदर पब्लिकेशन आर सप्रेशन ब्राइब जर्नलिस्ट इज वन ऑफ द ग्रेवेस्ट प्रोफेशनल ऑफेंसेस। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये एक जर्नलिस्ट की बाडी है तो इसके जो मोस्टली रूल्स होंगे आप देखेंगे वो जर्नलिस्ट के हवाले से ही बातचीत करते हुए होंगे जैसे कि ये रूल नंबर टू है इसके मुताबिक कि कोई भी जर्नलिस्ट किसी भी चीज को पब्लिकेशन के लिए या किसी चीज को पब्लिश ना करने के हवाले से अगर कोई रिश्वत लेता है अगर कोई ब्राइबरी लेता है तो वो एक बहुत ही ग्रेवेस्ट प्रोफेशनल ऑफेंस कंसीडर किया गया है अंडर दीज रूल्स यानी अंडर नो सरकमस्टांसिस किसी भी जर्नलिस्ट को ये अलाउड है कि वो किसी भी किस्म के फाइनेंशियल हासिल करें किसी एक न्यूज को लगाने के लिए या किसी एक न्यूज को ना लगाने के से तो ब्राइबरी को यहां पर जर्नलिस्ट के लिए एक बहुत बड़े एफेंस के तौर पर पोस्ट किया गया है रूल थर्ड क्या कहता है एक नजर उस पर डालते हैं एवरी जर्नलिस्ट शुड ट्रीट सब ऑर्डिनेट्स एस कंस्टिट्रेटली एज ही वुड डिजायर टू बी ट्रीटेड बाय हिज सुपीरियर्स। अब ये एक बड़ी नेचुरल सी बात है कि एवरीबडी लाइक्स टू बी गवर्न इन ह्यूमन वे पे एक जर्नलिस्ट के लिए एक, आ, एक रूल बनाया है पी एफ यू जे ने कि आपके जो सब ऑर्डिनेट्स हैं आपके अंडर कमांड जो जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं आप उनको बड़े कॉन्सिड्रेटली उनको रेस्पेक्ट के साथ डील करें और उसी लेवल ऑफ रेस्पेक्ट के साथ डील करें जिसके साथ चाहते हैं आप कि आपके सुपीरियर्स आपको डील करें तो ये एक जनरल सोशल प्रिंसिपल भी है कि जिस तरीके से आप लोगों को डील करें इस चीज का ख्याल रखें कि उसमें रिस्पेक्ट के एलिमेंट पाए जा रहे हो उसमें ऑनर का एलिमेंट पाया जा रहा हो और यकीनन आप खुद भी चाहेंगे कि आपको भी रेस्पेक्ट और ऑनर के साथ ट्रीट किया जाए आपके साथ बिहेव किया जाए यहां पर इसको कोड ऑफ एक्स का एक प्रिंसिपल के तौर पर बना दिया गया है पी एफ यूजे ने कि जब भी आप अपनी ऑफिशियल डीलिंग में हो तो अपने जो सब ऑर्डिनेट्स हैं उनको रेस्पेक्ट के साथ उनको ऑनर के साथ हैंडल करें और उसी लेवल ऑफ ऑनर के साथ उनको डील करें जिसके साथ आप चाहते हैं कि आपको डील किया जाए आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि फोर्थ प्रिंसिपल इसका क्या बात करता है फ्रीडम इन दी ऑनेस्ट कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ न्यूज फैक्ट्स एंड द राइट्स ऑफ फेयर कमेंट्स एंड क्रिटिसिज्म आर प्रिंसिपल विच एवरी जर्नलिस्ट शुड डिफेंड यहां पर uh, हवाले से बात हो रही है कि जब भी आप कोई न्यूज़ के हवाले से किसी न्यूज की पब्लिकेशन के हवाले से कोई फैक्ट कल कर रहे हैं कोई फैक्ट uh, गैदर कर रहे हैं तो आप फेयर कमेंट्स और क्रिटिसिज्म का राइट right जो है उसको एज ए प्रिंसिपल लेंगे और एक जर्नलिस्ट पे ये बात आ, आ, बड़ी अहम होगी कि हर जर्नलिस्ट के पास से तो राइट होगा कि वो अपने दिए हुए फैक्ट्स पे अगर कोई कमेंट्स हैं तो उनको वो डिफेंड करेगा और जो कलेक्शन ऑफ मटेरियल एंड फैक्ट्स अबाउट द न्यूज़ है उनको वो फेयर और फ्री तरीके से हासिल करेगा और किसी भी किस्म की कमेंट्स के लिए भी किसी भी किस्म के क्रिटिसिज्म के लिए भी हमेशा अपने आप को तैयार रखेगा रूल नंबर फाइव क्या कहता है एक नजर उस पे डालते हैं अनलेस द एम्प्लॉयर कंसेंट्स टू अ वेरिएशन अ मेंबर हु विशेस टू टर्मिनेट हिज एम्प्लॉयमेंट मस्ट गिव नोटिस अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट यहां पे जैसे कि आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं क्योंकि ये जर्नलिस्ट की बॉडी है ये जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लाइज हैं उनकी बॉडी है तो इस हवाले से कि जब भी आप कहीं पे कोई जॉब छोड़ना चाहते हैं आप इजेशन like तो जो चीज जो जो, जो ए, लीगल जो प्रोसीजर है वो जो रूल्स जिनके तहत आपके बिहेवियर को गवर्न किया जा रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यू हैव टू फॉलो दैट आप एक बाकायदा नोटिस के साथ अपने आप को डिटैच करेंगे आप सफिशिएंट टाइम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को देंगे कि आप इस टाइम के बाद यू विल नॉट बी अवेलेबल टू वर्क इन दैट पर्टिकुलर आर्गनाइजेशन तो ये जो आर्गनाइजेशन के रूल्स हैं आप इनको फॉलो करेंगे और अपने टर्मिनेशन और अपने डिटैचमेंट को अगर आप कोई आ, 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 इस किस्म की चीज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप बिफोर टाइम नोटिस देंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ऑल ऑफ ए सडन किसी प्लेस को नहीं छोड़ेंगे ये एक बेहतर बिहेवियर है जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर ऐसे सिस्टम के अंदर जहां पर फॉर्मल वेज ऑफ डूइंग थिंग्स होती है वहां पर इस किस्म के रूल्स को ऑब्जर्व करना एक मैंडेटरी हैसियत रखता है हम रूल नंबर सिक्स को देखने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं नो मेंबर शुड सीक प्रोमोशन Or seek to obtain the position of another journalist by unfair methods. A member should not directly or indirectly attempt to obtain for himself or anyone else any commission, regular or occasional, held by a freelance member of the union. Par jo, uh, ek, uh, important principle jo employment. Ke प्रोमोशन के हवाले से है उसमें यह कि कोई भी मेंबर इस किस्म की प्रमोशन या इस किस्म की अपनी जो सोसाइटी के अंदर अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एलिवेशन इज इन स्टेटस है फॉर्म में नहीं लेगा कि जो अनफेयर होगी जो किसी को नीचे गिरा के ऊपर चढ़ने वाले सिलसिला होगा वो ऐसी कोई भी सुरत एक जर्नलिस्ट नहीं करेगा बल्कि जर्नलिस्ट एक बड़े डिसेंट वे में अपनी प्रोमोशंस और अपनी एलिवेशन ऑफ पोजिशन पर जाएगा कोई इसके लिए अनफेयर मेन, वो अनफेयर मेन खासतौर पर ऐसा जिसमें आप अपने फेलो कोलीग्स को कहीं कहीं डाउन ले जा रहे हो कहीं उनके ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं कि इधर दे लीव दी ऑर्गेनाइजेशन और दे विल आ, बी कंसीडर्ड समाउ लेस देन वट एवर द पोजिशन दे आर होल्डिंग तो इस किस्म की कोई सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी जर्नलिस्ट क्रिएट नहीं करेगा पी एफ यू जे फॉर द प्रोमोशन ऑफ जर्नलिस्ट इसको अपने जो कोड ऑफ एथिक्स हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के हवाले से जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इसको अपने जर्नलिस्ट के लिए मेंबर्स के लिए एक मैंडेटरी कंडीशन के तौर पर यहां पर कोड ऑफ एथिक्स में प्रोवाइड कर रही है सेवन लेवल पे जो रूल अवेलेबल है जो प्रिंसिपल अवेलेबल है हम उसको देखने की कोशिश करते हैं वो क्या हमसे कहते हैं इट इज अनप्रोफेशनल कॉन्डक्ट

प्लेजरिज्म के हवाले से पी एफ यू जे अपना स्टांस रखती है और पी एफ यू जे उसको अपने कोड ऑफ एथिक्स का हिस्सा बनाती है कि कोई भी जर्नलिस्ट जो कि मेंबर ऑफ पी एफ यू जे है दे विल नॉट एंजॉय एनी प्रिविलेज और दे विल नॉट एंजॉय अ गुड रेपुटेशन बाई कपिंग मटेरियल आप किसी के मैटर को स्टील करके कॉपी करके उसको अपने नाम के साथ नहीं लगा सकते इनफैक्ट जब प्लेजरिज्म की हम बात करते हैं तो इसके बहुत सारे पहलू हैं पहला पहलू तो ये है कि आप बिल्कुल किसी एक शख्स की चीज़ को स्टील करें और उसको अपने नाम के साथ लगा के आप पब्लिश करवाएं, तो ये एक अफेंस है और बड़ा ग्रेव अफेंस कंसीडर किया जाता है डिवेलप कंट्रीज के अंदर इस पर बड़ी सजाएं हैं लेकिन एक और इसमें दूसरे लेवल का जो ऑफेंस है वो ये कि आप किसी एक शख्स के जो थाट्स हैं जो कॉन्सेप्ट जो रिपोर्ट्स हैं और जो, जो फैक्ट्स उसने गैदर किए हुए हैं वो आप रिपोर्ट में दे रहे हैं और उसको प्रॉपरली एक्नोलेज नहीं कर रहे उसको बेशक के आप अपने फैक्ट्स के तौर पर तो पेश नहीं कर रहे लेकिन साथ साथ जो एक्नॉलेजमेंट डिजर्व करता है वो शख्स वो एक्नॉलेजमेंट उसको आप अपनी रिपोर्ट के अंदर अपने न्यूज के अंदर आप नहीं दे रहे तो दिस इज

और अगर कोई ऐसा सिलसिला है कि वो ऑर्गेनाइजेशन उनको अप्रूव करती है और ऑर्गेनाइजेशन उनके इस किस्म के एक्ट को अप्रूव करती है कि वो एक कोई एक एक्स्ट्रा लिविंग के लिए कुछ और मीन्स ऑफ लिविंग भी वो एक्सप्लोर करें उन पे भी काम कर रहे हैं तो ऐसी सूरत हाल में ये पॉसिबल है लेकिन इसमें ये देखने की बात है कि क्या को आपके जो मेन प्रोफेशन है जर्नलिज्म का क्या उससे वो तो इफेक्ट नहीं आ रहा या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स तो इस हवाले से आड़े नहीं आ रहे या फिर जो यूनियन ने जो रूल्स आपको दिए हैं जिनको फॉलो करना और जिनके साथ एडहेयर करना हर एक जर्नलिस्ट की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कहीं वो उसमें कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आ रहा तो हर स्टाफ मेंबर हर मेंबर ऑफ द फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इस चीज को जहन में रखेगा अगला जो रूल है हम जरा उसको देखते हैं रूल नंबर नाइन को देखने की कोशिश करते हैं वो क्या कहते हैं अ अ मेंबर होल्डिंग स्टाफ अपॉइंटमेंट सर्व फर्स्ट न्यूज पेपर दैट एम्प्लाइज हिम इन हिज ओन टाइम अ इज फ्री टू एंगेज इन अदर क्रिएटिव वर्क बट ही शुड नॉट अंडरटेक एनी एक्स्ट्रा वर्क इन हिज रेस्ट टाइम or holidays, if by so doing he is depriving an out-of-work member of a chance to obtain uh, employment. any misuse of rest days won by the union on the sound argument that periods of recuperation are needed after strenuous hours of labor is damaging to trade union aims for a shorter working week. Ab इस एथिकल कोड में बता दी गई है नंबर एक के आप अगर कोई और अपने फ्री वर्क के अंदर को काम करना चाहते हैं तो यू आर फ्री एंड यू कैन डू योर वर्क और अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं एंड यू कैन अर्न सम एक्स्ट्रा बक्स टू टू हैव योर लिविंग लिटल बेटर लेकिन यहां पे एक बात जो अहम जिसको फेडरल यूनियन कंसीडर करता है वो ये है कि आप अपने जो हैं, जो आपका हॉलीडेज आप को, को भी आप एम्प्लॉयमेंट पर अगर खर्च कर देंगे तो यू विल नॉट बी फ्रेश एंड टू डिस्पेंस यूर रिस्पॉन्सिबिलिटी यू विल नॉट बी डूइंग एनी गुड जॉब फॉर यूर ऑर्गेनाइजेशन एंड यू विल बी लाइक तो ख्याल रखा जाए कि अगर आपके पास फारक टाइम है जिस चीज की तरफ इशारा कर रही है वो बड़ी अहम है कि वीक में कितने घंटे जर्नलिस्ट को काम करना है वीक में कितना रेस्ट करना है एक को, इस हवाले से फेडरल जूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के कुछ एफर्ट्स हैं और अगर आप उन एफर्ट्स जो जिसकी वजह से उन एफर्ट्स की वजह से वो जो रेस्ट टाइम और हॉलीडेज मिली है अगर आप उनको सेक्रीफाइस कर लेते हैं फॉर अनदर काइंड ऑफ वार तो इनफैक्ट जो पर्पज था इस किस्म के टाइम्स के लिए इस किस्म की जो एफर्ट्स का पर्पज था फेडरल यून ऑफ जर्नलिस्ट का वो इसमें फेल हो जाएगा तो यहां पे ये एक जर्नलिस्ट के लिए ये अहम बात है कि वो अपने लिए कोई क्रिएटिव वर्क या किसी भी किस्म का वर्क में अपने आप को एंगेज कर सकता है लेकिन साथ साथ इस चीज का ख्याल रखे कि एनफ टाइम फॉर रेस्ट फॉर रिक्रिएशन फॉर फैमिली एंड फॉर द हॉलीडेज हम रूल टेन की तरफ जाते हैं और इस प्रिंसिपल को देखने की कोशिश करते हैं कि यहां पर जर्नलिस्ट के लिए क्या बात की गई है While a spirit of willingness to help other members should be encouraged at all times, members are under a special obligations of honor to help an unemployed member to obtain work. A bhat hob surat rule is rule ki jo jo dignity of labor, dignity of work, respect for your fellow beings is hawale se baat ki ये अहम बात है इस चीज को रियलाइज करते हुए पी एफ यू ये बात कर रही है कि दूसरों की मदद करना एक बहुत एहसन इकदाम है और हर शख्स को ये चाहिए कि दूसरों की हेल्प करें लेकिन फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इस चीज़ को इनक्रेज कर रहा है कि जर्नलिस्ट को स्पेशली अपने उन मेंबर्स का अपने उन कोलिग्स का अपने उन फेलोस का ख़ास ख्याल रखना चाहिए जो कि अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं और उनको हेल्प करें किसी भी किस्म का जर्नलिस्टिक वर्क लेने के लिए उनको हेल्प करें उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करें ताकि वो अपनी ऑनर सोसाइटी के अंदर बहाल कर सकें और उस प्रोफेशन के लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव साबित हो सकें मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा रेयर कोड ऑफ एथिक है जो कि बहुत कम कोड ऑफ़ एथिक्स में जो मुख्तलिफ़ ऑर्गनइजेशन के हवाले से मौजूद हैं उनमें ये मौजूद है और फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इस इस खास एहसन काम को एथिक्स का हिस्सा बना के पेश कर रही है हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि रूल नंबर 12 एथिक्स पे क्या बात करता है A journalist should fully realize his personal responsibility for everything he sends to his paper or agency. He should keep union and professional secrets and respect all necessary confidences regarding sources and information and private documents. He should not falsify information or documents or distort or misrepresent facts. एक जर्नलिस्ट की जो एक रेस्पांसिबिलिटी के हवाले से बात की गई है कि ये उसकी एक पर्सनल रिस्पांसिबिलिटी है कि वो जो चीज़ भी अपने न्यूज़पेपर को अपने न्यूज़ एजेंसी को या अपनी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को जो चीज़ भी वो भिजवा रहा है अपनी पर्सनल कैपेसिटी में तो उसको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जो प्रोफेशनल सीक्रेट्स के एथिक्स हैं उनको भी वो ऑब्जर्व करें और वो तमाम कॉन्फिडेंसेस जो उस पर रिपोस किए गए हैं चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हैं चाहे वो यूनियन की तरफ से हैं या वो उसका सोर्स जो उसको इंफॉर्मेशन दे रहा है उसकी तरफ से जो कॉन्फिडेंसेज उस पर रिपोस किए गए हैं जर्नलिस्ट उसको ऑनर करे और किसी भी किस्म की जो डॉक्यूमेंटेशन या जो डॉक्यूमेंट्स जो फैक्ट्स उसके पास अवेलेबल हैं उनके अंदर कोई इस किस्म की चेंजेस लेके ना आए उनको ओरिजिनल फॉर्म के अंदर अपनी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को और अपनी रिपोर्ट्स के अंदर पेश करे उसमें कहीं भी कोई कोई जो एडल्ट्रेशन हो सकती है उससे एक जर्नलिस्ट अपने आप को अवॉइड करें फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अपने एथिक के जो ट्वेल्व प्रिंसिपल है उसमें क्या बात करती है लेट्स है लुक इन ऑप्टनिंग न्यूज आर पिक्चर्स रिपोर्टर्स एंड प्रेस फोटोग्राफर्स शुड डू नथिंग दैट विल कास्ट पेन आर ह्यूमिलियशन टू इनोसेंट बिलीव्ड और अदरवाइज डिस्ट्रेस्ड पर्सन न्यूज पिक्चर्स एंड डॉक्यूमेंट्स शुड बी एक्वायर्ड बाई ऑनेस्ट मैथड्स ओनली यहाँ पर यह बात बहुत अहम है कि जब भी आप किसी एक ऐसे ग्रुप को आप फोटोग्राफ करने की कोशिश कर रहे हैं या उसके मुतालिक कोई न्यूज देने की कोशिश कर रहे हैं अपने मीडिया पे तो इस चीज का ख्याल रखें कि आपके कोई भी एक्ट कहीं किसी शख्स के लिए बेजती का बायस ना बने उसके लिए ह्यूमिलिएशन का बायस ना बने उस वो उस इनोसेंट के लिए जिनको आप कवर करने की कोशिश कर रहे हैं उस एफेक्टेड और अग्रीव पार्टी को और पर्सन को जिसको आप न्यूज़ का हिस्सा बना रहे हैं उसके लिए कोई बदनामी का नाइस ना बने या वो डिस्ट्रेस पर्सन जो जिसकी जो आपकी रिपोर्ट का हिस्सा बन रहा है उसके लिए कोई सिचुएशन क्रिएट ना करें एक जर्नलिस्ट को इसके लिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की जरूरत है डियर स्टूडेंट्स मोस्टली इस किस्म की सिचुएशंस जो हम आमतौर पर डिज़ास्टर और कॉन्फ्लिक्ट्स की कवरेज के हवाले से हम देखते हैं वो तो बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं कि ऐसी चीज़ें बज दफ़ा पेश हो रही होती हैं जो कि अदरवाइज शायद हो सकता है कि किसी एक शख्स के मुतल दिखाए जाएँ तो ही वुड बी फील अफेंडेड और वो अपने आप को ह्यूमिलिएटेड फील करेगा कि वाई आई हैव बीन शोन मीडिया इन सच अ वे और इन सच अ बैड सिचुएशन तो इस चीज को एक जर्नलिस्ट को अपने सामने रखने की जरूरत है और पी एफ यू जे उस पे प्रिंसिपल की सूरत में ये एथिक की सूरत में ये प्रोवाइड कर रहा है कि जब भी आप अपनी कोई न्यूज या कोई आपने फोटोग्राफ्स ले रहे हैं तो इस चीज का ख्याल रखें कि जिस पार्टी का जिस डिस्ट्रेस्ड पर्सन का आप फोटोग्राफ ले रहे हैं जिस इनोसेंट का आप फोटोग्राफ बना आने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके फोटोग्राफ से वो ह्यूमिलिएटेड फील करे वो कोई अफेंडेड फील करे या उसके लिए वो बदनामी का बायस हो यू हैव टू आस्क अ जर्नलिस्ट दिस क्वेश्चन टू यूर सेल्फ और फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने इस चीज को जर्नलिस्ट एथिक्स का एक प्रिंसिपल बना के जर्नलिस्ट के लिए पेश कर दिया है हम पी के अगले प्रिंसिपल की तरफ जाते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि अगला प्रिंसिपल इस पे क्या बात करता है वो ये बता रहा है कि एवरी जर्नलिस्ट शुड कीप इन माइंड द डेंजर इन द लॉ ऑफ लाइबल, कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट एंड कॉपीराइट्स इन रिपोर्ट्स ऑफ लॉ कोर्ट प्रोसीडिंग इट इज नेसेसरी टू ऑब्जर्व एंड प्रैक्टिस द रूल ऑफ फेयर प्ले टू पार्टीज अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देखें तो प्रॉब्ली देर इज नथिंग न्यू यहाँ पे हम पहले बात करते हुए आ रहे हैं कि जब भी आप कोई आ, आ, चीज़ देने की कोशिश कर रहे हैं कोई न्यूज़ देने की कोशिश कर रहे हैं कोई फैक्ट्स मासिस तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ का ख्याल रखें कि क्या आप लाइबल तो नहीं हो रहे क्या आपको ऑफेंस तो आ, नहीं कर रहे आ, अगर ऐसी सूरत हाल है तो ऑफ कोर्स द दे डेंजर ऑफ ला इज देयर यू मे बी काट बाय द ला और फिर साथ साथ अहम बात ये भी है कि जब आप कोर्ट प्रोसीडिंग्स को न्यूज़ का हिस्सा बना रहे हैं या कोर्ट प्रोसीडिंग्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं तो बड़ी स्पेशल केयर की जर्नलिस्ट को ज़रूरत होती है इन दोनों चीज़ों को जो जो एथिक्स है इन दोनों एथिक्स को पी एफ में पी एफ यू जे ने आ अपने प्रिंसिपल थर्टीन में पूरे तरीके से वाजे कर दी है कि जर्नलिस्ट को इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि कहीं वो लाइबल ना हो रहा हो और कहीं पर वो किसी की डेफिनेशन का बायस ना बन रहा हो और साथ साथ कि जब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को रिपोर्ट कर रहा हो तो देर आर स्पेशल केयर्स टू बी टू बी कंसिडर्ड फॉर द जर्नलिस्ट इस चीज़ को एथिक्स का हिस्सा बना दिया है पी एफ यू जे ने विच इज बी फॉलोड बाई एवरी जर्नलिस्ट मैं एक बात यहाँ पे वाज करता चलूँ कि आप पाकिस्तान के जो कोड्स हैं और दुनिया के जो भी कोड्स हैं उन सब के अंदर इस बात को अहमियत स्पेशल दी गई है कि आप लाइबल होने से बचें आप किसी फैक्ट्स को इस तरह से पेश ना करें कि जो एक से दूर करके हो तो जो प्रिंसिपल ऑफ एक है और ट्रूथफुल रिपोर्टिंग है यहां पे उसकी वायलेशन की बात की जा रही है इफ यू आर वायलेटिंग दैट देन लॉ में कैच यू इस चीज को अवॉइड करना होगा एक जर्नलिस्ट को डियर स्टूडेंट्स ये थर्टीन मेन प्रिंसिपल्स थे जिनको पी uh, एफ ने अपने जर्नलिस्ट के लिए मेंबर्स के लिए पेश किया कि एवरी मेंबर हैज टू रिस्पेक्ट दीज थिंग्स In the, dispenses, in the dispensation of their responsibilities. प्राइमरीली अगर आपने यहाँ पे गौर किया हो तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो सारे प्रिंसिपल्स हैं जो सारे रूल्स ऑफ एथिक्स हैं ये जर्नलिस्ट के लिए हैं जर्नलिस्ट को फ्रीडम को भी जर्नलिस्ट की फ्रीडम को भी प्रोटेक्ट करने की ये कोशिश कर रही हैं और जर्नलिस्ट को किसी भी किस्म की रॉन्ग डूइंग में इन्वॉल्व होने से बचाने के लिए भी ये प्रिंसिपल्स हैं इसमें डूज भी हैं और इसमें डोंट्स भी हैं एक जर्नलिस्ट को क्या करना चाहिए और किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए ये प्रिंसिपल्स उन सब पे आपको रोशनी डालते हुए नज़र आ रहे हैं लेकिन एक सबसे अहम बात अगेन मैं आपको ये करना चाहूँगा अपने पिछले लेक्चर्स में भी इस डिस्कशन में मैं लेते हुए आ रहा हूँ वो ये कि इसके लिए जो मैकेनिज्म ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या है ये तमाम बड़े आइडियल प्रिंसिपल्स हैं जो पी एफ यू जे ने अपने मेंबर्स के लिए सेट किए हैं लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये प्रिंसिपल्स उन लोगों के लिए हैं जो मीडिया में इन तमाम चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं हाउ अबाउट दोज नॉट लाइक टू एक्सेप्ट दिस प्रिंसिपल्स? इन फैक्ट ये एक एथिक्स के प्रिंसिपल्स के अंदर मोस्टली कोई इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं होती तो उन प्रिंसिपल्स का इंप्लीमेंट होना और ट्रू स्पिरिट में इंप्लीमेंट होना हमेशा एक प्रॉब्लम का बायस रहा है और यकीन यही क्वेश्चन इस वक्त पी के लिए भी है कि इस किस्म के जो रूल्स रेगुलेशन और प्रिंसिपल्स जो कि पी एफ यू जे ने ड्रॉ की हैं इनकी इम्प्लीमेंटेशन का मैकेनिज्म क्या होगा इनको किस तरीके से इन्फोर्स किया जाएगा और वो लोग जो कि इन प्रिंसिपल्स के साथ एडहेयर नहीं कर रहे जो कि इन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहे उनके लिए पनिशमेंट्स क्या हैं उनके लिए एक मैकेनिज्म टू मॉनिटर देयर एक्टिविटीज वो क्या है ये हमेशा एक क्वेश्चन रहता है हमेशा हर किस्म के कोड ऑफ एक्स के लिए ये एक क्वेश्चन के तौर पर सामने आता है हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि एन जो न्यूज़पेपर्स एडिटर्स एडिटर्स सा ऑफ पाकिस्तान है वो जर्नलिस्ट के एथिक्स के हवाले से क्या बात करती है आपके लिए ये बात बड़ी अहम है समझना कि जब पी एफ यूजे जब कोई बात कर रही होती है तो उनके सामने जर्नलिस्ट होता है उनके सामने जर्नलिस्ट की प्रोटेक्शन होती है उनके सामने वो डिजायर्ड बिहेवियर जो एक जर्नलिस्ट का होना चाहिए उस बिहेवियर को जनरेट करना उनके लिए अहम होता है लेकिन जब हम किसी एक बड़ी कौंसल की बात करते हैं जो कि एडिटर्स की कौंसल हो एक ऐसी काउंसल जो के जर्नलिस्ट जो नीचे लेवल के नहीं बल्कि जो मैनेजरियल पोजीशंस पे जो लोग अवेलेबल हैं वो लोग जो मीडिया के अंदर इंपॉर्टेंट पोजीशंस को होल्ड कर रहे हैं वो क्या कोड था एट मीडिया के लिए किस किस्म के कोड ऑफ एथिक्स डिवाइस करते हैं फ्रेम करते हैं इनफैक्ट जो एनईसीपी है जो न्यूज़पेपर एडिटर्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है उसके हवाले से हम देखने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या व्यूज हैं वो किस किस्म के एथिक्स की बात करते हैं लेकिन बिफोर वी मूव ऑन टू सी दैट वट काइंड ऑफ ऑफ कोड एथिक्स दे हैव फॉर द बेस्ट वर्किंग इन द मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हम थोड़ा सा ये बताने की कोशिश करेंगे कि एन कब बनी और किन ऑब्जेक्टिव के तहत बनी मे 22, 1993 में पहली मर्तबा जो न्यूज़पेपर एडिटर्स कौंसल फॉर पाकिस्तान है वो सेटअप की गई वो स्टैब्लिश की गई और एम उनका ये था और उनके ऑब्जेक्ट्स बेसिकली ये थे कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसको सेफ गॉड किया जाए और जो हेल्थी वर्किंग कंडीशन हैं फॉर द जर्नलिस्ट एंड जर्नलिज्म इन द कंट्री उसको स्टैब्लिश किया जाए तो यहां पे आपको शायद महसूस हो रहा हो कि जब हम पहले पी एफ यूजे की बात कर रहे थे तो दैट वॉज सोनली फोकसिंग आम जर्नलिस्ट लेकिन जब हम न्यूज पेपर एडिटर्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो उनका मेन ट्रस्ट जो है उनका जो फोकस है वो शायद उससे थोड़ा सा बड़ा करके है कि यहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ द मीडिया फ्रीडम ऑफ द प्रेस है इसको सेफ गार्ड करना उनका बहुत बड़ा एम है और एक हेल्दी जर्नलिस्टिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना मुल्क के लिए ये उनके मेन एम्स में से शुमार होते हैं जो एन डी सी पी वो इस बात पे बिलीव करती है कि एडिटर्स की और जर्नलिस्ट की जो मेन रेस्पांसिबिलिटी है दैट इज टू सर्व द द्रूथ कि ट्रूथ की जो सर्विस है वो उनकी मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी है और ये इस बात पे भी बिलीव करती है कि जो डिफरेंट एजेंसीज ऑफ मैस कम्युनिकेशन है इनफैक्ट वो पब्लिक के के कैरियर तौर पर इस्तेमाल होते हैं, वो कैरियर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं जो इंफॉर्मेशन को फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर सोर्स लेके जा रही होती हैं, और बेसिकली ये अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट काम कर रही होती हैं, और रिपोर्ट्स को इस तरह से पेश करने की कोशिश कर रही होती हैं विच आर क्लोजर एंड क्लोजर टू द फैक्ट्स द एक्चुअल फैक्ट्स तो ये बेसिकली जो पहली बात मैं अभी कह चुका हूं कि इनका जो मेन मकसद है इन तमाम जो कैरियर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कन्वेयर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो मीन ऑफ कम्युनिकेशन है मकसद उनके एन ई सी पी ये समझती है कि वो ट्रूथ को सर्व करना है लोगों को सर्व करना है और फैक्ट्स को ओरिजिनल फॉर्म के अंदर मैक्सिमम लेवल तक लोगों को पहचाना उनकी प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी बनती है तो ये बेसिकली ये जो एन है ये इंस्टीट्यूशनल परस्पेक्टिव के अंदर जो कोड ऑफ एथिक्स हैं उनको डिवाइस कर रही है अब हम वन बाई वन उन कोड ऑफ एथिक्स को देखने की कोशिश करेंगे जिनको एन अपने जिनको फ्रेम किया है एन ए में और एक बाइंडिंग तस्वर करती है एन ए सी पी एवरी जर्नलिस्ट एंड एवरी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैज टू फॉलो जो इसका पहला आ, एथिकल प्रिंसिपल है मेरे ख्याल के मुताबिक अगर आप इसको आ, जो हम पी एफ यू जी के प्रिंसिपल देख चुके हैं अगर उसके पहले प्रिंसिपल के साथ आप कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो यू विल फाइंड ए लॉट ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन टू फर्स्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी फॉर्म के अंदर आ, ये चीजें अवॉइड की जानी चाहिए चाहे वो न्यूज आइटम है एडिटोरियल है आर्टिकल्स हैं या फोटोग्राफ्स या एडवर्टीजमेंट्स में उनके अंदर ये सिक्स एलिमेंट्स जो हैं ये उनका हिस्सा नहीं होने चाहिए वो सिक्स एलिमेंट जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है वो कौन से हैं कि इमोरेटी या ऑप्चूनिटी है इसको अवॉइड किया जाना चाहिए वलगैरिटी और डेरोगेटरी एक्सप्रेशन अगेंस्ट द इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशन या मुख्तलिफ ग्रुप्स के हवाले से जो हो सकते हैं उनको अवॉइड किया जाना चाहिए और इस किस्म की कोई फॉल्स और मेलिशियस किस्म की अगर कोई एलिगेशन है जो किसी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन या ग्रुप और न्यूज पेपर या पब्लिकेशन के हवाले से हो सकती हैं उनको भी अवॉइड किया जाना चाहिए और इसके अलावा जो अगली बात वो कर रहे हैं वो ये कि सेक्टेरियन सेंटीमेंट्स को अराउज नहीं करना चाहिए अवॉइड किया जाना चाहिए और जो इस किस्म की जो पेरोकियल जो अप्रोच हैं जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजुडिस की फॉर्म में भी सोसाइटी के अंदर पाई जाती हैं जो क्लास हेटरेट की फॉर्म में भी पाई जाती हैं इनको मीडिया और मीडिया प्रोफेशनल्स शुड अवॉइड और जो नेक्स्ट बात है वो उस हवाले से हम पहले भी बात कर चुके हैं पी एफ में भी इस चीज पर फोकस है कि क्राइम्स को और वाइसिस को बुराइयों को ग्लैमराइज करके और ग्लैमराइज वे के अंदर उनको पेश नहीं किया जाना चाहिए लेकिन एक चीज जो कि एन ई सी पी के, e. के कोड ऑफ एथिक्स के अंदर अवेलेबल है लेकिन पी एफ यू जे में उनके फर्स्ट जिसमें मोस्टली यही बातें की गई अवेलेबल नहीं है वो है इंसाइटमेंट टू वायलेंस यानी हमारी एक्टिविटीज़ वायलेंस को इंसाइट नहीं करने चाहिए वायलेंस की फ़रोख का बायस नहीं बनने चाहिए वायलेंस को फैन करने का बायस नहीं बनने चाहिए तो ये वो चीज़ें हैं जिनको हर जर्नलिस्ट को हर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को ख्याल रखने की ज़रूरत है और सो डियर स्टूडेंट्स ये जो पहला प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स है और जो पहला प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स गिवन बाय पीएफयूजे थे दीज आर वन एन द सेम विद अ लिटिल वेरिएशन बाय एनी सेकंड प्रिंसिपल को मैं आपके लिए रीड करता हूं एडिटर्स जर्नलिस्ट मस्ट बी फ्री ऑफ ऑब्लिगेशन टू एनी इंटरेस्ट अदर देन दब्लिक्स राइट टू नो द ट्रूथ यहां पर पब्लिक पब्लिक राइट टू नो द ट्रूथ ज बिकमिंग फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मीडिया किसी भी और किसम की ऑब्लिगेशन और इंटरेस्ट एक एडिटर के लिए एक जर्नलिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए इससे ज्यादा जो कि पब्लिक राइट टू नो अबाउट द ट्रूथ है ट्रूथ को जानना पब्लिक का सबसे इंपॉर्टेंट राइट right है कोई भी और राइट इसको ओवर राइड नहीं कर सकता अगेन अगर आप इस प्रिंसिपल को भी अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि ये इंस्टीट्यूशनल परस्पेक्टिव में बात की जा रही है एक इंस्टीट्यूशन के हवाले से बात की जा रही है एक जर्नलिस्ट के हवाले से खास तौर पर बात नहीं की जा रही हम तीसरे प्रिंसिपल की तरफ जाते हैं जो इन कोड ऑफ एथिक्स में प्रोवाइड किया हुआ है वो ये कहता है कि अ जर्नलिस्ट विल मेक कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू एश्योर दैट द पब्लिक बिजनेस इज कंडक्टेड इन पब्लिक and that public records are open to public inspection. Now, here freedom about freedom, that whatever public discussions will take or whatever issue pe bhi discussions will that will not be between two persons, that will be uh, 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 between the public. Whatever public-related matters are, they एक बड़े फोरम पे डिस्कस किया जाएगा बड़े फोरम पे उनको लेके आया जाएगा और इसके अलावा अगर आपको याद हो कि मैं आर्टिकल 19 के सेक्शन ए की जो बात कर रहा था सेक्शन ए आर्टिकल 19 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वो ये कहता है कि जो भी पब्लिक रिकॉर्ड है जो भी पब्लिक इंफॉर्मेशन है दीज आर ऑलवेज रेडी टू तो बी आ, आ, गिवन टू तो जर्नलिस्ट आर टू तो द इंडिविजुअल्स फॉर इंस्पेक्शन फॉर स्क्रूटनी तो यहां पर ये राइट right स्टैब्लिश कराने की कोशिश की जा रही होती है कि हर शख्स कॉन्स्टेंटली इन एफर्ट्स में इन्वॉल्व रहेगा कि जो पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए जो पब्लिक रिकॉर्ड्स है जो फैक्ट हैं और इस राइट right को प्रिजर्व करने के लिए जो एन है वो कॉन्स्टेंटली एफर्ट करती रहेगी एंड दिस हैज बीन टेकन एज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन द कोड ऑफ एक्ट गिवन बाई एन ऑफ कोर्स जो पी एफ के आ, आ, जो कोड ऑफ एथिक्स हैं चूंकि वो इंडिविजुअल सेंटर्ड तो उनमें इस किस्म की बात नहीं है लेकिन एन ई सी पी के जो कोड ऑफ एथिक्स हैं वो चूंकि इंस्टीट्यूशनल लेवल के हैं लिहाजा इस हवाले से जो फ्रीडम प्रोटेक्शन और एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है उसको भी इसके अंदर गारंटी किया जा रहा है हम अगले कोड ऑफ एथिक की तरफ जाते हैं जो फोर्थ नंबर पे है लेट्स अबाउट द राइट ऑफ द इंडिविजुअल टू प्रोटेक्शन मस्ट बी अवॉइडेड एक्सेप्ट पब्लिक इंटरेस्ट डेयर स्टूडेंट्स ये प्राइवेसी के हवाले से प्रिंसिपल है प्राइवेसी के हवाले से हम लास्ट पे पहले बात कर भी चुके हैं और आज के डिस्कशन में भी अगर आप देखें तो पी एफ यू जे का जो प्रिंसिपल है वो भी एक ए, इसके साथ एग्जैक्टली exactly इन्हीं लफ्जों में तकरीबन मैच कर रहा है तो आई मीन टू से यहाँ पर कि एन एस सी पी भी प्राइवेट और जो प्राइवेट लाइफ्स ऑफ इंडिविजुअल्स हैं और जो प्राइवेसी के जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं एवरी इंडिविजुअल एवरी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैव टू ऑब्जर्व इट क्योंकि यह एक बड़ा इंपॉर्टेंट राइट right होता है एवरी इंडिविजुअल का कि उसकी प्राइवेसी जो है वो प्रोटेक्टेड हो हाँ, यहाँ पे भी उस एक्सेप्शन की बात की गई है जिसको पी एफ यू जी ने भी अपने एथिकल कोर्ट्स के अंदर हाईलाइट किया है कि कब जब ऐसी कोई बात जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बहुत जरूरी हो, हो सकता है कि उस सूरत हाल में एक जो ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है वो आपको ब्रेक करना पड़े लेकिन जो उस वक्त भी मैंने क्वेश्चन रेस किया था वो ये कि इस चीज का डिसीजन करना बड़ा अहम है इस चीज को डिलीनिएट करना बड़ा अहम है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट क्या है जो सर्व हो रहे होंगे ऑन द कास्ट ऑफ एक बड़ा वाज होना मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का एडिटर्स का और जर्नलिस्ट का बहुत जरूरी है अदरवाइज दिस इज समथिंग विच हैज बिन प्रोहिबिटेड बाई द मैनी कोड ऑफ एथिक्स वेदर व्यू टॉक अबाउट पी एफ

वो ये बात करता है कि प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूज आइटम्स एंड कमेंट्स ऑन इवेंट्स एंड एयरिंग ऑफ लेजिटिमेट ग्रीवेंसेज शुड बी फेयर एंड ऑब्जेक्टिव एंड देर शुड बी नो विलफुल डिपार्चर फ्रॉम फैक्ट हेडलाइंस शुड बी फुली वॉरंटेड बाय द कंटेंट्स ऑफ द आइटम्स देयर कंपनी कॉम्पनी एंड फोटोग्राफ शुड बी गिवन इन एन एक्यूरेट वे and pictures and event not highlighting a minor in minor incident

पूरा का पूरा कोड ऑफ एथिक्स है और बहुत सारे जो एलिमेंट्स elements... जो कि पी एफ यू जी में जो कोड ऑफ एथिक्स में दिए गए हैं वो यहाँ पर एक ही एलिमेंट के अंदर एक ही कोड ऑफ एथिक्स के प्रिंसिपल के अंदर कवर हो रहे हैं कि जो भी आप न्यूज आइटम्स हैं जो भी फैक्ट्स आप पोर्ट्रे कर रहे हैं या उनको एयर करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो फेयर होने चाहिए वो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए और उसमें किसी भी किस्म की इस किस्म की एफर्ट ना हो कि जिसमें कोई विलफुली अपनी एक कोशिश के तहत आप फैक्ट्स से दूर हट रहे हो बल्कि आपको फैक्ट्स और फैक्ट्स ही बेसिकली पुटअप करने की जरूरत है।, है और उसको एक अलग आइटम के तौर पर पी यूजी के जो ऑफ एथिक्स किया गया है। जो भी हेडलाइंस आप दे रहे हैं इस चीज की वो गारंटी करें इस चीज को मद्देनजर रखें कि जो कंटेंट्स हैं जो न्यूज के कॉन्टेंट्स हैं दुड नॉट बी डिफरेंट देन दैट इस चीज के हवाले से हम पहले भी बात कर चुके हैं जनरेट करती है you तो रखना चाहिए इसी फिफ्थ एलिमेंट के अंदर जो अगला एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया गया है कि अगर आपकी कोई कमिटमेंट किसी के साथ ऑफ द रिक्ड के हवाले से है उसको ऑनर करना एक जर्नलिस्ट के लिए और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है इस आ, आ, रूल को और इस एथिक को पी एफ में या पी एफ यू जे के जो एथिक्स हैं उनके अंदर एक अलग आइटम के तौर पर लिया गया है लेकिन यहाँ पे उसको आइटम फाइव का ही हिस्सा बनाया गया है आइटम फाइव में जो अगली बात है वो भी अहम है कि जब आप कोई एम्बार्गोस कोई अवेलेबल हैं किसी एक न्यूज़ के रिलीज टाइम के हवाले से कुछ रिस्ट्रिक्शन अवेलेबल हैं तो यू हैव टू फॉलो दैट। इस चीज़ को हम पहले जब पी एफ यू जी के आ, रूल्स डिस्कस कर रहे थे तो उसमें एक अलग आइटम के तौर पर डिस्कस हो रहा था तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल फाइव है कोड ऑफ कंडक्ट का वो बहुत सारी चीज़ों को अकोमोडेट किया हुआ है और वो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट

भी वही बात की जा रही है और इस हवाले से भी डिस्कशन हो चुकी है कि इवन ला भी प्रोटेक्ट करता है कि आपका जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो इसके थ्रू आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है यू हैव एवरी राइट एंड यू आर इंटाइटल टू प्रोटेक्ट द नेम ऑफ दैट पर्सन उसकी आइडेंटिटी को उसके इंफॉर्मेशन जहां से आपको मिल रहे हैं उसके नाम को आपके पास ये राइट है आपके पास ये एक लीगल प्रोविजन इस पर अवेलेबल है कि आप उसको डिस्क्लोज ना करें आप उसको डाइवर्ज ना करें जो अगला आइटम है वो इस चीज पे बेस करता है कि तमाम पेड और और कमर्शलेंट जो है ना दैट शुड बी सीन एज द दैट शुड बी सीन एड अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन उनका बड़े क्लैरिटी के साथ पता चलता हुआ होना चाहिए कि वो पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है अगेन हेर इज अ अपेशन बिटवीन द कोड ऑफ कंडक्ट गि पी एफ यू जे एंड कोड ऑफ कंडक्ट एडॉप्टेड बाई सीपी ये भी एक सिमिलैरिटी में यहां पे आ रहे हैं हम कोड ऑफ एथिक्स के जो एट्थ प्रिंसिपल है उसकी तरफ जाते हैं नो न्यूज पेपर शेल एनी फॉर्म आर शेप एनी फाइनेंशियल एंड पिक्यूनरी एडवांटेज आर ऑब्लिगेशन फ्रॉम और कंट्री कंसर्न आर एजेंसी दिस डज नॉट अप्लाई टू पेज एडवर्टिजमेंट अपरिंग एज सच डे स्टूडेंट्स अगेन ये पी एफ यूजी के जो गिवन कोड ऑफ एथिक्स हैं उनके साथ ही है यही कोड ऑफ एथिक्स बिल्कुल एग्जेक्टली सेम वर्ड में पी एफ यूजी में मौजूद है जस्ट एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के कोई भी इस किस्म की जो फाइनेंशियल हेल्प है किसी फॉरेन कंट्री की कंसर्न कोई एजेंसी या कोई फॉरेन कंट्री मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दे सकता ये एक अनएथिकल कंसीडर किया जाएगा हाँ एक चीज़ जो हो सकती है वो इस फॉर्म में कि अगर किसी फॉरेन एजेंसी या कोई फॉरेन कंट्री को किसी किस्म की एड आपके मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देना चाहता है तो उसकी इजाज़त है और उसमें कोई हार्म नहीं है कि आप उनसे फाइनेंस एक्सेप्ट करें लेकिन किसी भी ऐसी सूरत हाल में जो अदरवाइज हो सकती है वो एक्सेप्टेबल नहीं है एंड दिस इज कंसिडर्ड समल हम अगले एलिमेंट की तरफ जाते हैं जो प्रिंसिपल नंबर नाइन है वो ये कहता है कि गिफ्ट फेवर्स फ्री ट्रेवल स्पेशल ट्रीटमेंट और प्रिविलेजेस कैन कॉम्प्रोमाइज द इंटेग्रिटी ऑफ एडिटर्स एंड इन्फ्लुएंस देयर सेंस ऑफ Justice and impartiality. Nothing of value should be accepted. Dear students, इस हवाले से अगरचे के पी एफ यू जे में कोई बहुत ज्यादा इस पर लेकिन हम जैसे पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किसी भी किस्म के गिफ्ट फेवर फ्री ट्रेवल अब्रॉड या कोई स्पेशल लेवल की ट्रीटमेंट जो प्रिविलेज जो कि कॉम्प्रोमाइज करता हो आपकी जो इंटेग्रिटी है जो आपकी ऑनिस्टी है और आपका जो इंफ्लुंस ओवर द कॉन्टेंट्स है उसको वीक करता हो इस किस्म की किसी भी चीज को एक जर्नलिस्ट के लिए एक, एक एडिटर के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए ये एथिक्स के अगेंस्ट है कि आप गिफ्ट्स और ट्रेवल्स को और इस किस्म की जो स्पेशल प्रिवलेजेस हैं उनको एक्सेप्ट करें इस किस्म की कोई भी चीज जो वैल्यूएबल हो जो आपके काम में रुकावट का बायस बन सके दैट इज कंसिडर्ड अनएथिकल अंडर दल एथिकल कोड्स बाय एनईसीपी हम आगे चलते हैं जो एलिमेंट है वो क्या कहता है सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट पोलिटिकल इनवाइमेंट होल्डिंग पब्लिक ऑफिस एंड सर्विस इन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी अवॉइडेड इफ इट कॉम्प्रोमाइज दिटी ऑफ एडिटर्स शुड कंडक्ट देयर पर्सनल लाइव इन अ मैटर विच प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम कॉन्फ्लिक रियल और एपर यहां पर फैक्ट जिस चीज़ की तरफ इशारा किया गया है वो वो इन्वॉलमेंट है जो आपकी पॉलिटिक्स के हवाले से हो सकती है किसी एसोसिएशन के हवाले से हो सकती है या किसी भी किस्म की ऐसी एम्प्लॉयमेंट जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट पैदा हो सके मिसाल के तौर पर आपकी जर्नल एथिक्स किसी एक खास चीज़ पे आपको ले जा रहे हैं फोकस करने के लिए आपको ले जा रहे हैं लेकिन जिस दूसरी कोई आपने कोई सेकेंडरी आपने अलाइनमेंट

प्रेशर्स आप में हो और आपकी डिस्पेंसेशन ऑफ जर्नलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में रुकावट का बायस बन रहे हो इस किस्म की चीजों को भी अवॉइड करने की जरूरत है हम प्रिंसिपल 11 को जरा रीड करने की कोशिश करते हैं लेट्स सी व्हाट्स न्यू इन देयर justified corrections or denials sent as a result of any incorrect information published by newspapers, periodicals or news agencies should be published within the shortest possible time so as to effectively eliminate the impression created by the original publication which necessitated the issuance of a correction or denial. dear students, this is what we discussed in p.f.u.j. exactly, yahshis. एफ यूजे के जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसके अंदर भी है दीज टू आर सिमिलर इन इन एनी सी पी एन पी एफ यूजे कॉन्डक्ट लिहाजा हम इस पर चूके पहले डिस्कशन कर चुके हैं मैं अगले एलिमेंट की तरफ आपको लेके जाता हूं जो ट्वेल्थ पॉइंट है वो ये बात कर रहा है द प्रेस रेफ्रेंस फ्रॉम पब्लिशिंग एनी डेरोगेटरी टू एनी रिलीजन और विच मे हर्ट रिलीजियस फीलिंग ऑफ एनी सेक्ट एंड माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यानी यहाँ पे जो सेक्टेरियनिज्म के हवाले से बात है आल्दों के पिछले भी जो हम कोड ऑफ एथिक्स पढ़ रहे हैं उसमें भी ये एलिमेंट इम्पोर्टेंस कहाँ मिल रहा है और यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट के तौर पर एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल के तौर पर एन पेश कर रही है कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं या रिलीजन के हवाले से जो जो भी खबर है जो भी पब्लिश कर रही है उसमें इस चीज़ को देखा जाए कहीं पर कोई जर्नलिस्ट या न्यूज आइटम कहीं कोई डेरोगेटरी डेरोगेटरी तो नहीं बन रहा या कोई जो सेंटिमेंट्स ऑफ द मॉसिस और पीपल हैं उनको तो कहीं इफेक्ट नहीं करेगा जो प्रिंसिपल इस पे थर्टीन अवेलेबल है वो ये कहता है कि प्रेस शेल रेफरेन फ्रॉम पब्लिशिंग एनीथिंग लाइटली टू तो ब्रिंग इनटू टू और आर कंटेम हेड ऑफ एनी फ्रेंडली स्टेट अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो हम आर्टिकल 19 में इस चीज का डिस्कशन ले चुके हैं कि आप फ्रेंडली स्टेट्स के दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है कहीं हमारे कोई ऐसे आइटम्स ना हो हमारी ऐसे न्यूज ना हो जो कि हेड ऑफ़ फ्रेंडली स्टेट को अफेंड करे और हमारे रिलेशनशिप्स उनके साथ बिगड़ जाए तो जो हमारा आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये उसकी जो एक ऑब्लिगेशन है वो रिफ्लेक्ट होती हुई आपको एन के कोड ऑफ एथिक्स में नजर आ रही है जो फोर्टीन पे

पी एफ यू जे के एलिमेंट्स में भी नज़र आता है और एन ई सी पी के जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसके अंदर भी नज़र आता है कि कोई भी ऐसी चीज़ पब्लिश नहीं जाएगी कोई सी ऐसे कमेंट्स और आर्टिकल्स और फोटोग्राफ्स और एडवर्टिजमेंट्स नहीं पब्लिश होंगे जो कि सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को और जो स्टेट की और नेशन की जो सॉलिडेरिटी है और जो आइडियालॉजी है उसको अफेक्ट करते हुए होंगे इस चीज़ की प्रोहिबिशन पी एफ यू जे के कोड ऑफ एथिक्स में भी और एन ए सी पी दोनों जगहों पर अवेलेबल है मैं थोड़ा सा एंड की तरफ बढ़ते वो आपको ले जाऊंगा और फिफ्टींथ नंबर uh, पे जो एन सी पी का कोड ऑफ कंडक्ट है वो क्या है कि द प्रेसिंग एनीथिंग लाइक ली टू अंडर माइंड द लॉयलिटी एंड एलिजियंस ऑफ द डिफेंस फोर्सेज एंड द सिविलोर्सेज सिमिलरली जो अगला कोड है द प्रेस रेफ्रेन फ्रॉम इन्वॉल्विंग द डिफेंस फोर्सेज इन पॉलिटिक्स एंड ऑफर ओनली फेयर कमेंट ऑन इट्स परफॉर्मेंस एंड कॉन्डक्ट स्टूडेंट्स ये चीज आपको पी में नजर आई आपको जो आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी नजर आए एक जो यहाँ पे एक एडिशन के तौर पर जो एन में जो चीज अवेलेबल है वो ये है कि ये तो डेफिनेटली किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं है कि जो डिफेंस फोर्सेस हैं जो सिविल आर्म फोर्सेस हैं उनकी एलिजियंस उनकी लॉयटी उनकी वफादारी को अंडरमाइन करने के लिए कोई एफर्ट्स की जाए यहां पर एक और अहम बात भी की गई है कि जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनको पॉलिटिक्स में ड्रैक करने से भी अवॉइड किए करना होगा और फिर कमेंट्स परफॉर्मेंस और उनके कंडक्ट पे करना होगा ऐसी कोई एफर्ट के जिसमें जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको पॉलिटिक्स का हिस्सा बना के पेश किया जाए दिस हैज बीन कंसीडर्ड अनएथिकल बाय एनईसीपी एनईसीपी के जो लास्ट टू प्रिंसिपल्स हैं 17 और 18 वो uh, इनकी पहले भी मेंशनिंग हो चुकी है पीएफयूजे के जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें भी ये बयान हो चुका है कि वो कोई कोर्ट की वो असम्बलीज की वो प्रोसीडिंग्स जिनको स्पीकर चाहे वो नेशनल असम्बली या प्रोविंशियल असम्बली या पाकिस्तान की जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बलीज हैं उसमें अगर उनके स्पीकर उसको एक्सपेंच करने का आर्डर दे चुके हैं जो ऐसी सूरत हाल में वो पब्लिशेबल नहीं रहेगी और मीडिया को और जर्नलिस्ट को उसको पब्लिश करने से एवॉइड करना होगा और इसके अलावा जो कोर्ट के प्रोसीडिंग्स हैं अगर वहां पे किसी एक वर्जन ऑफ द कोर्ट को ऑफ़ द कोर्ट को या कोई ऐसे कंटेंडिंग पार्टीज के आर्गूमेंट हैं जिसको रिपोर्ट का हिस्सा ना बनाने का ऑर्डर किया गया है बाय द लॉ तो इस चीज का भी ख्याल रखना होगा कि वो भी कहीं रिपोर्ट का हिस्सा ना बन जाए आज हमने डियर स्टूडेंट्स इस चीज को देखने की कोशिश की है कि पी एफ यूजे के कोड ऑफ एथिक्स क्या है और एन के कोड ऑफ एथिक्स क्या है हमने थोड़ा सा इनको कंपेयर और कंट्रास्ट करने की भी कोशिश की है कि बहुत सारी चीजें इन दोनों के दरमियान में कॉमन है लेकिन जो चीज आपको पर्सपेक्टिव के तौर पर जहन में रखनी होगी वो ये कि पी एफ यू के जो मेन कॉन्टेंट्स थे वो जर्नलिस्ट फोकस थे और एनसीपी के जो मेन कंटेंट्स थे वो उसके जो अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं कि मीडिया की फ्रीडम को और मीडिया की जो प्रोटेक्शन है वो उनके लिए अहम है तो लिहाजा उनके जो तमाम कोड ऑफ एथिक्स को थे वो इस चीज़ पे आ, स्ट्रेस कर रहे थे कि इस किस्म की वायलेशन से मीडिया ओवरऑल इफेक्ट होगा तो इस किस्म के जो नेगेटिव फॉल आउट्स ऑफ दैट काइंड ऑफ वायलेशन हैं उनसे मीडिया को बचाने के लिए एक शील्ड क्रिएट करने के लिए एन ने ये कोड ऑफ एथिक्स क्रिएट किए हैं बट अगेन द लास्ट थिंग के मैकेनिज़्म इस किस्म की इम्प्लीमेंटेशन uh, के लिए क्या होगा दिस इज़ अगेन सेम द क्वेश्चन जो मैं आपको पी एफ के हवाले से बता चुका हूं तो डियर स्टूडेंट्स हम इस बात के साथ ख़त्म करते हैं कि अगली क्लास में हम आपसे मजीद कोड ऑफ एथ के हवाले से बात करेंगे तो टिल नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज